हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूं, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स की ये भी क्वेरी आ रही थी कि पेपर का जो मीडियम होता है वो कैसा होता है, यानी कि पेपर जो है वो किस लैंग्वेज में आएगा, ऑनलाइन कराया जाएगा या ऑफलाइन कराया जाएगा, ये मैं आप सभी से डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, तो जो भी एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, और आप सभी से ये भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 से रिलेटेड। ठीक है, साथ ही इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, इसकी भी स्ट्रेटेजी जो है वो सब जो है डिटेल में मैं आपके साथ आगे अपकमिंग वीडियोस में शेयर करूंगा। ठीक है, और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 से रिलेटेड चाहिए तो उसकी जो सारी वीडियोस हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखी है, प्लेलिस्ट जो है आपको चैनल पर मिल जाएगी एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 के नाम से। ठीक है, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो 2022 में जो एम्स बीएससी नर्सिंग एग्जाम होगा तो उसका जो एग्जाम मोड है वो आपका ऑनलाइन मोड होगा, जैसे 2021 में हुआ था। ठीक है, अभी तक मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ऑनलाइन ही कराया जाएगा, और जो लैंग्वेज होगा आपका पेपर का वो इंग्लिश होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में आपके सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं, क्लियर है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो है आपका जो भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के और जो जीके के क्वेश्चंस है वो आएंगे। साथ ही यहां पर लिखा है टाइम ड्यूरेशन आपके पास 2 घंटे का होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसका टाइम जो है 2 घंटे का होगा, और बाकी ये बीएससी पोस्ट उसके लिए लिखा है, ये हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमको बीएससी नर्सिंग से मतलब है। तो बीएससी नर्सिंग का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है वो 2 घंटे का होगा, और टोटल जो है आपके पास 4 सेक्शंस होंगे जो आपके 100 क्वेश्चंस को कंप्राइज करेंगे। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस होंगे और जीके के आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि पेपर पैटर्न आपका कैसे रहने वाला है, और क्या बोलते हैं कैसे सेक्शन रहेंगे, पेपर का मोड क्या होगा, पेपर की लैंग्वेज क्या होगी, क्लियर है। और एक चीज मैं बता दूं कि यहां पर नेगेटिव मार्किंग भी है, नेगेटिव मार्किंग 0.33 मार्क्स की आपकी होगी, क्लियर है। ठीक है, तो 1/3 जो है वो आपकी पर क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है, तो यहां पर ये मत सोचना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे डाउट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।